द केरला स्टोरी मूवी के ट्रेलर के आते साथ ही जो है और उस मूवी के रिव्यू के साथ ही ऑडियंस के मन में एक सवाल तो बहुत बड़ा जो है छाप छोड़ के गया था, जहां इस मुस्लिम महिला के द्वारा यह सवाल पूछा जाता है। आप सुन सकते हैं। जो गॉड अपनी वाइफ के मन में वैसे कॉमन माइंड की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? वो गॉड है तो वो अपनी वाइफ को अकेला बचा के नहीं ला सकता। अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसे बानर सेना की हेल्प लगी। तो देखिए, यहाँ मुस्लिम महिला कहती है कि आपके कैसे भगवान है भगवान शंकर जी, जो कि जो है अपनी पत्नी के मरने पर जो है विलाप करते हैं, अर्थात माता सती के मृत्यु के पश्चात वो जो है उनके शव को लिए हुए घूमते रहते हैं, इसके बारे में उल्लेख किया गया। और वही एक सवाल और पूछा जाता है कि आपके कैसे भगवान है श्री रामचंद्र जी, जो कि अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाते, आप ऐसे भगवान कहते हैं? इस पर जो है सनातनियों को कोई जवाब नहीं मिलता, वो कोई जवाब नहीं दे पाते। तो क्या आपने भी सोचा है आपके पास क्या इसका जवाब है? तो आइए आज हम आपका जवाब देते हैं कि अगर ऐसा सवाल पूछा है तो आपको क्या जवाब देना चाहिए। तो देखिए, तो उसमें कहा जाता है कि भगवान शंकर कैसे हैं जो अपने पत्नी के मरने में विलाप करते, भगवान श्री रामचंद्र जी कैसे भगवान हैं जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाते। तो इसका जवाब यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को समझाते हुए जवाब दिया है कि देखो अर्जुन, तीनों लोक में ऐसे कोई भी वस्तु नहीं जिसका इच्छा मैं करूँ और जिसको प्राप्त करना चाहूँ उसको प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी जो है त्रिदेव भी जो है त्रिलोक के जो बंधन है उससे मुक्त नहीं है। हम भी जो है अपनी इच्छा से जो है कार्य नहीं करते, जो त्रिलोक में जो होना रहेगा वो अपने समय पे होता है, उसका जो है पक्षपात यानी उसको जो उल्लंघन नहीं किया जाता। जहाँ ये उदाहरण आप और ले सकते हैं, जहाँ जो है जब वनवास में माता द्रौपदी और बाज पांडव से मिलने भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, तब जब महाभारत में द्रौपदी जी पूछती हैं भगवान श्री कृष्ण से क्या क्या युद्ध होगा केशव, तब भगवान जवाब देते हैं कि मैं चाहता तो नहीं फिर भी युद्ध होगा। तब महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि अगर आप नहीं चाहते वासुदेव तो युद्ध कैसे होगा? तब भगवान श्री कृष्ण ये उत्तर देते हैं कि मैंने क्या द्रौपदी का वस्त्र हरण चाहा था फिर भी हुआ ना। इस प्रकार से भगवान ये स्वयं कहना चाहते हैं कि उनके जानते हुए भी कि होने वाला है फिर भी वो अगर वो उस चीज़ को नहीं रोक सकते, क्यों? क्योंकि जो है सृष्टि के बंधन से वो भी बंधे हुए हैं। और वही जो है भगवद गीता में अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं त्रिलोक में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जिसको मैं चाहूं और प्राप्त न कर सकूं, फिर भी मैं जो है निष्काम कर्म करने के लिए इस युद्ध भूमि में तुम्हारा सारथी बन के खड़ा हूं और निहत्था जो है धर्म और अधर्म के युद्ध को देख रहा हूं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को मार्गदर्शन करते हैं कि निष्काम कर्म कैसे किया जाता है। और जहाँ कहते हैं कर्म मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करो और फल की चिंता बिल्कुल मत करो। तो इस प्रकार से भगवान भी कहते हैं कि सृष्टि के बंधन से तो त्रिदेव भी परे नहीं है, अर्थात हमारे भगवान ये कह रहे हैं, अर्थात हमारे श्री कृष्ण चंद्र ये कह रहे हैं कि सृष्टि से बंधन से वो स्वयं परे नहीं है, अर्थात भक्तों के वो दास हैं, इसीलिए कहा जाता है कि वो भक्तों के दास है। तो इस प्रकार से जो है सृष्टि के बंधन से जब भगवान ही परे नहीं है तो मनुष्यों को जो है अपने कर्म को निष्काम होकर करना चाहिए, क्योंकि भगवान भी स्वयं उनको इस चीज़ की प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि भगवान स्वयं ही निष्काम कर्म किए जा रहे हैं और फल की इच्छा रहित जो है कर्म ही उसको ही श्रेष्ठ बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण अगर चाहते तो एक सेकंड में क्या महाभारत का युद्ध समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो देखते रहे। जहां इस बात को आप भगवान श्री कृष्ण के इस वाक्य संवाद से सुन सकते हैं। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन माइंड की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? वो गॉड है तो वो अपनी वाइफ को अकेला बचा के नहीं ला सकता। अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसे बानर सेना की हेल्प लगी। त्रिलोक में मेरे लिए कुछ करना आवश्यक नहीं पार्थ, और त्रिलोक में ऐसा भी कुछ नहीं जिसे मैं प्राप्त करना चाहूं और प्राप्त ना कर सकूं, फिर भी मैं तुम्हारे सामने कर्म कर रहा हूं पार्थ, कर्म कर रहा हूं, ये दिखला रहा हूं, ये सिद्ध कर रहा हूं कि निष्काम कर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन व्यतीत करना संभव है। तो आप समझ गए होंगे केरला स्टोरी में जो है जब सवाल पूछा गया था तो इसका आंसर क्या देना चाहिए। ये तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है मात्र, इसमें कई सारे पॉइंट ऑफ मिल सकते हैं कि भगवान क्यों रोते हैं, भगवान जो है क्यों ऐसे लीलाएं करते हैं, उसके कई सारे उत्तर हो सकते हैं। तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके इसके अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। तो आपके इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।